लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं जो चौंकाने वाले थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के नतीजे और भी हैरान कर देने वाले आए। और यहां सपा और कांग्रेस ने इस बार कमाल कर दिया। यूपी में खटाखट खटाखट वोट इंडिया गठबंधन को पड़े और अखिलेश ने बीजेपी का अकेले केंद्र तक पहुंचने का रास्ता रोक दिया। इस बार यूपी में भगवान श्री राम भी बीजेपी से नाराज नजर आए और शायद ही कारण था जो राम को लाए उन्हें अयोध्या की जनता ने नकार दिया। और ये फैसला केवल राजनीतिक पार्टियों के लिए ही नहीं बल्कि राजनीतिक पंडितों के लिए भी आश्चर्यचकित कर देने वाला था, क्योंकि अयोध्या के आए नतीजों ने देश में बना हिंदू मुस्लिम वाला माहौल एकदम पलट कर रख दिया। फैजाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह 50,000 वोटों से हार गए। हर किसी के मन में यह सवाल है कि जहां बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया और धूमधाम से इसका उद्घाटन किया, वो सीट बीजेपी आखिर कैसे हार गई। लेकिन नतीजे अब सामने हैं तो मानने में कोई गुरेज भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस समय यही है कि जिस बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए इतने वर्षों तक संघर्ष किया, आखिर अयोध्या वासियों ने उन्हें क्यों नकार दिया। पार्टी और भी सीधे हाथ में उत्तर प्रदेश में, आप जब अयोध्या का नाम ले रहे हैं, अयोध्या की जनता का मैं धन्यवाद देता हूँ। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। उन्हें जो उम्मीद थी वहां की जनता को, जिस तरह के सरकार का काम काज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन पर, लोगों के साथ अन्याय किया, आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली, जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके झूठी मुकदमे लगा कर इनसे जमीन छीन ली। न जाने कितने व्यापारियों को आपने दुख संकट पहुंचाया। 100 साल से रह रहे थे, 100 साल से लोग रह रहे थे, ऐसे भी परिवार हैं जो अपनी गाय भैंस के साथ जानवरों के साथ 100 साल से रह रहे थे, आपने उन्हें उजाड़ दिया। आप किसी पुण्य काम के लिए आप गरीबों को उजाड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ अयोध्या और आसपास की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होता, भारतीय जनता तो आखिर अयोध्या में बीजेपी की हार के क्या कुछ कारण रहे। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से अविरल मलिक जी जुड़ चुके हैं और साथ में हमारे सहयोगी ऋषभ चौहान जो न्यूज़ रूम से उपलब्ध हैं, वो भी पूरी जानकारी और वहां पर क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी की कमी रहे, तो सभी चीज़ों को लेकर आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं अविरल जी आपके पास आना चाहूँगा और सबसे पहला सवाल यही है, आखिर अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काफी वर्षों तक संघर्ष किया, तो क्यों हार का सामना वहां पर देखने को मिला? जी देखिए, इसका निश्चित रूप से आकलन किया जा रहा है और इसी विषय पर पार्टी संगठन चर्चा कर रहा है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ जी मैं ये जानना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति आखिर इस विषय पर चर्चा क्यों नहीं कर रहा कि दिल्ली में केजरीवाल फैक्टर खत्म हो गया। अविरल जी नहीं, सुन लीजिए, नहीं गलत है। अयोध्या से जो संबंधित सवाल मैंने पूछा है आप उसी पर जवाब दीजिए, आप दिल्ली को बीच में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है। इस चीज का विश्लेषण हम भी करके बैठे हैं और हम भी बातें इस बारे में आपको बताएंगे। पहले आप इसी बात का जवाब दीजिए कि आखिर अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार का कारण क्या रहा। देखिए, वो संगठन आकलन कर रहा है इस विषय पर। ठीक है, आकलन हम भी करके बैठे हैं और जो हमारे हिसाब से बातें निकलकर सामने आई हैं, आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में हारी और अयोध्या में ही नहीं। मेरी निजी राय है इस विषय पर, जहां तक मेरी, अगर आप निजी राय जानना चाहें, जो मेरा निजी आकलन है जी, तो निजी आकलन मेरा ये है कि विपक्ष ने जो झूठ फैलाया जी, उसके आधार पर मैं इस बात को कह सकता हूँ। नहीं, विपक्ष ने झूठ फैलाया वो जनता तक पहुंच गया, लेकिन जो सच आपके साथ था वो आप जनता तक क्यों नहीं पहुंचा पाए। देखिए, उस विषय पर हम आकलन कर रहे हैं और जहां तक बात है हमारे विकास कार्यों की, हमने विकास किया, ये बिल्कुल सत्य है और सबको विकास से लाभ हुआ और इसीलिए हम जीत रहे हैं और सरकार इसीलिए हमारी बन रही है। बिल्कुल पूर्ण बहुमत, बिल्कुल
एनडीए की इसी कारण बन रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और आपने जो वहां पर विकास किया इसी कारण आपको अब की बार हार का सामना करना पड़ा है, और किस तरह आपने विकास किया है ये भी पूरी जनता के सामने है। वहां पर हमने लोगों का दर्द देखा है, लोगों की रोते हुए वीडियो हमने वहां पर देखी है, लोग राम मंदिर के लिए वहां पर इतने व्याकुल थे कि यहां पर राम मंदिर बनेगा, लेकिन राम मंदिर किस तरह बना, लोगों के आशियाने छीनकर, लोगों का कारोबार नष्ट करके, लोगों को बेरोजगार करके, ऐसे राम मंदिर बनता? राम मंदिर वहां पर लोगों को रोजगार देता, राम मंदिर के नाम पर लोगों को वहां पर रोजगार उपलब्ध होते। जानिए जी, राम मंदिर आंदोलन इतने लंबे समय तक चला, कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया जी, कितने लोगों ने अपनी जान गवाई, कितने लोग शहीद हुए, इस विषय का आप आकलन करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितने लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। नहीं तो आपको, अगर आप इस बात को बीच में लेकर आ रहे हैं कि कितने लोगों ने वहां पर बलिदान किया, तो क्या सिर्फ उन्हीं के लिए प्रॉफिट है राम मंदिर बनना, देश की जनता के लिए नहीं है? देखिए, अगर आप राम मंदिर के विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो मैं काफी कुछ बता सकता हूं। नहीं, राम मंदिर के विषय पर चर्चा नहीं, चर्चा हमारी सिर्फ इसी विषय पर है कि आखिर हार का कारण क्या रहा। भारतीय जनता पार्टी ने, देखो सीधा सा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने वर्षों तक संघर्ष किया कि राम मंदिर अयोध्या में बने, और राम मंदिर अयोध्या में बना भी, लेकिन ऐसी कहां पर चूक हुई आपसे जो वहां की जनता ने आपको नकार दिया? सीधा सा सवाल यह है, कुछ ना कुछ तो गलती की होगी, वरना राम मंदिर बनने के बाद भी वहां की जनता आपको क्यों नकारेगी? मैं आपको कुछ उदाहरण दे देता हूं। सबसे पहला उदाहरण तो यह है, और अयोध्या की सीट का नहीं, पूरे देश में जहां भी भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, सबसे मुख्य कारण पहला यही है कि आपके उम्मीदवारों का बड़बोलापन। जो अयोध्या के व्यापारी वर्ग के लोग थे, जब रास्तों का निर्माण किया गया, उनको चौड़ा किया गया, वहां के लोगों की जो दुकानें थी उनको उजाड़ा गया, वहां के लोगों के जो घर थे उनको उजाड़ा गया, उनको मुआवजे के नाम पर 1,00,000 रुपये दिया गया कि 1,00,000 रुपये में आप अपना दूसरा सेटअप कर लीजिए, 1,00,000 रुपये में कहाँ से हो जाएगा? दूसरा, जो वहाँ के व्यापारी नेता थे, वो आपके जो उम्मीदवार थे, जो वहाँ के वर्तमान सांसद थे लल्लू सिंह, उनके पास गए, उन्होंने उनसे कहा भी कि इस तरह की समस्या है, उन्होंने उनसे साफ बोल दिया कि हमें व्यापारियों के वोट की ज़रूरत ही नहीं है। खैर, मैं आपके पास आऊँगा, एक छोटी सी जानकारी मैं ऋषभ से भी ले लेता हूँ, न्यूज़ रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, आपके हिसाब से क्या कुछ मुख्य कारण रहे बीजेपी की हार के अयोध्या में? देखिए पुष्पेंद्र जी, जहां तक देखा जा रहा है कि अयोध्या के अंदर जो जमीनी स्तर पर काम होना था, जो जमीनी स्तर पर विकास कार्य होने चाहिए, उस पर बीजेपी जो है वो सरासर फेल नजर आई, और यही कारण था कि अयोध्या के लोगों ने बीजेपी को जो है वो इस बार अयोध्या से बाहर भेज दिया। दरअसल वहां के जो मौजूदा प्रत्याशी थे वहां लल्लू सिंह, उनका काफी ज्यादा विरोध था, लेकिन विरोध होने के बावजूद भी अयोध्या के अंदर उन्हें ही उम्मीदवार बनाया गया, और ये सबसे दूसरा बड़ा कारण रहा। अयोध्या के अंदर रामपथ बना, अयोध्या के अंदर राम जन्म भूमि पथ बना, काफी सारा राम मंदिर के लिए डेवलपमेंट हुआ, लेकिन उस डेवलपमेंट को करने के लिए जो उस एरिया के आसपास की दुकानें थी, जो उस एरिया के आसपास के घर थे, उन घरों को तोड़ा गया, और इससे जो है वहां की जनता खासा नाराज थी। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे तकरीबन 200 साल पुरानी दुकान थी, तो उस दुकान को तोड़ा गया और उसका मुआवजा तक नहीं मिला गया, और जब उसने मुआवजा मांगा तो उससे ये कह दिया गया कि आपके पास कोई कागज कोई पत्थर नहीं है। और यहाँ तक कि अभी भी जिन लोगों को मुआवजा मिला है, जिन लोगों को जमीन के बदले जमीन मिली है, उन लोगों के पास अभी तक कागज नहीं पहुंचे हैं, उनके पास कोई सबूत ही नहीं है कि जमीन हमारी है। तो ये बड़े वहां पर जो है परेशानियां थी, और लल्लू सिंह का जो है वो जमीनी स्तर पर काफी ज्यादा विरोध था। अयोध्या की जो जनता थी वो लल्लू सिंह को पसंद नहीं करती थी, लगातार लल्लू सिंह के कामों से नाराज आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ने
जानबूझकर उन्हें टिकट दिया। एक तरह से राजा ने अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रखा, सिर्फ उसने जो है वो अपने कैंडिडेट पर ध्यान रखा और यही कारण था सबसे बड़ा कि अयोध्या के अंदर बीजेपी की हार हुई, जहां से कभी किसी ने का सोचा भी नहीं था, अंदाजा भी नहीं लगाया था। क्योंकि अयोध्या के लोगों ने जो मतदान किया वो विकास के कार्यों पर किया, विकास हुआ राम मंदिर के लिए हुआ, बीजेपी ने फोकस किया राम मंदिर पर फोकस किया, लेकिन राम मंदिर के जो आसपास के एरिए थे वो कहीं ना कहीं बुनियादी जरूरतों से चूक गए, जो वहां की बुनियादी जरूरत होनी चाहिए थी, जो वहां पर विकास होना चाहिए था वो नहीं वहां पर मिल पाया, ये सबसे बड़ी वजह सामने आई। बस उसके बाद वहां पर मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव ने बहुत ही दिमाग से अपने प्रत्याशी को उतारा, क्योंकि अयोध्या के अंदर पारसी बिरादरी जो है वो काफी ज्यादा है। अखिलेश यादव ने सीधे जाति कार्ड खेला वहां पर, अवधेश प्रसाद को उतारा जो कि एक पुराने नेता है, मुलायम सिंह यादव के साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के वो काफी पुराने सिपाही बताए जाते हैं। तो जनता ने जो है वहां पर उन्हें पसंद किया, क्योंकि लल्लू सिंह से जो है वहां की जनता ऊब चुकी थी। इसलिए बिल्कुल अविरल मलिक जी, आपने हमारे सहयोगी की पूरी बातें सुनी और उन्होंने जिस हिसाब से बताया कि भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा फोकस था वो सिर्फ राम मंदिर तक रह गया, राम मंदिर के आसपास की जो जनता थी, मतलब जनता का विकास वो कहीं ना कहीं भूल गए। और भूलने का एक कारण यह भी हो सकता है क्योंकि राम मंदिर का क्रेज बीजेपी के अंदर इतना हो गया था कि उनको सिर्फ उस टाइम पर राम मंदिर के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो क्या आप इस गलती को स्वीकार करते हैं कि वहां की जनता को राम मंदिर के लिए मतलब भुला दिया गया, यह कह सकते हैं? नहीं, स्थानीय मुद्दे कुछ हो सकते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की जीत की, तो भारतीय जनता पार्टी जीती है, लार्जेस्ट पार्टी के रूप में सामने आई है देश के अंदर, वो बिल्कुल सत्य है। और कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश का निर्माण हो गया है, कांग्रेस मुक्त दिल्ली का निर्माण हो गया है, कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड, कांग्रेस मुक्त हिमाचल प्रदेश का निर्माण हो गया है, आम आदमी पार्टी मुक्त दिल्ली का निर्माण हो गया है, कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़ का निर्माण हो गया है, कांग्रेस मुक्त गुजरात का निर्माण हो गया है। इस बात को देखना भी बेहद आवश्यक है। बिल्कुल, बीजेपी मुक्त अयोध्या का निर्माण हो गया है। अविरल जी, जी आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ बीजेपी मुक्त अयोध्या का भी निर्माण हो गया है, अब अयोध्या में बीजेपी का कोई सांसद नहीं है। नहीं नहीं, देखिए इस आधार पर आप नहीं कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी का महासंगठन है। नहीं, संगठन है, देखो बातें बार बार निकलकर वही आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। तीसरी बार लल्लू सिंह वहां से चुनाव लड़ रहे थे, दो बार जीत चुके थे, संगठन भी मजबूत है, जो भारतीय जनता पार्टी के ग्राउंड पर कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी मजबूती से काम किया, ठीक है, और 50,000 से ज्यादा वोटों से हार गए वो। नहीं देखिए, चाहे वो अयोध्या की आप बात कर लीजिए, चाहे वो प्रदेश की किसी भी राज्य की आप बात, जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। जी देखिए, उत्तर प्रदेश की आप बात करिए, अन्य किसी राज्य की आप बात करिए, मध्य प्रदेश की आप बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ हो, केरल हो, राजस्थान हो, किसी राज्य की आप बात कर लीजिए, जो हमारे द्वारा योजनाएं चलाई गई हैं उनका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिला है, ये बात बिल्कुल सत्य है, इस बात को स्वीकारना पड़ेगा। चाहे वो जनधन योजना हो, आयुष्मान भारत हो, मुद्रा योजना हो, आवास का निर्माण कराने की बात हो, या फिर शौचालय के निर्माण कराने की बात हो, हाईवे जिस प्रकार से बनवाए गए, जिस प्रकार से सड़कों का विकास किया गया, इस विषय को स्वीकारना होगा। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। ठीक है, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी की देन है। ठीक है, सुविधाएं जनता की भी देन है, वो सुविधाएं जनता की भी देन है, वो सुविधाएं जो कोई भी राजनीतिक दल देता है वो कोई अपने पर्सनल पैसे से नहीं देता है, जनता से टैक्स लेता है, उसके बाद उन सुविधाओं को लागू किया जाता है और उन्हें जनता तक पहुंचाया जाता है। बिल्कुल, ये नहीं है कि वो सुविधाएं बीजेपी अपने पर्सनल उससे दे रही है, पर्सनल पैसे से दे रही है, वो जनता के टैक्स से सुविधाएं दी जाती है और लाभ नहीं आती, जनता को मिलनी नहीं चाहिए। बिल्कुल ऋषभ, अविरल जी हमारे सहयोगी ऋषभ की बात का जवाब दीजिए। जी नहीं देखिए, टैक्स पेयर के पैसे को चुराने का काम कौन करता है? डीएल साहू करता है। इस विषय पर भी तो चर्चा होनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं घोटाले करके,
चाहे वो 2G घोटाले की बात कर ली जाए, कॉमनवेल्थ घोटाले की बात कर ली जाए, DLF घोटाले की बात कर ली जाए, इस विषय पर भी चर्चा होनी चाहिए। और उसके साथ साथ बीजेपी ने चंदा लिया बात तो फिर इस मुद्दे की भी होनी चाहिए, घोटाले की बात कर ली जाए, इलेक्ट्रल बॉन्ड से जिस तरह से बीजेपी ने चंदा लिया बात तो इससे भी होनी चाहिए। देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड में कुछ घोटाला नहीं है, इस विषय को आप जान लीजिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड में क्या घोटाला आप मुझे स्पष्ट दीजिए। अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड में कोई घोटाला है तो इसमें कौन आरोपी है आप बताइए मुझे। चलिए चलिए ठीक है, अभी घोटाले पे जाना ठीक नहीं है, अभी तो अयोध्या की बात चल रही है और अयोध्या के विषय में ही हम बात करेंगे। अयोध्या में कई तरह की बातें निकलकर सामने आई हैं, एक मुख्य कारण और है, 400 पार का नारा दिया आप लोगों ने कि अब की बार 400 पार। फिर लल्लू सिंह जी का एक बयान वायरल होता है कि 400 पार हम इसलिए बोल रहे हैं कि अगर हमारी 400 से ज्यादा सीटें आ जाती हैं तो हम संविधान बदल देंगे। तो भाई पहले 400 आने तो दीजिए, उन्होंने पहले ही इस बयान को बोल दिया और वो इस बयान के चक्कर में नुकसान उठा गए। दूसरा, जो अभी बातें चल रही थी कि भाई वहां के जो लोगों की दुकानें उजाड़ी गई, वहां के व्यापारियों को जो परेशान, 303 आज पहुंच गया ये आपको भी मालूम है क्या, 303 आज एनडीए पहुंच गया, अर्थ है 300 पार हो चुका है। नहीं हम तो देखिए पार होने का मतलब नहीं है, ये तो जोड़ तोड़ की जो राजनीति है वो तो चलती रहती है। अभी आप 350 भी किसी तरह कर लें, उस चीज में भी हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अचंभा भी नहीं होगा, ठीक है। ये काम आप पहले से करते हुए आए हैं, लेकिन अयोध्या पर एक विशेष फोकस पहले से रहा है, हम बात उसी की करेंगे, ठीक है। वहां पर अभी बात फिर घूम फिर कर वही आती है कि वहां के लोगों की जो दुकानें उजाड़ी थी, अब वहां पर गुजरात के लोगों को आपने टेंडर दे दिए। ऋषभ आप वहां से आप समझाने की कोशिश करो, ये जो पूरा मामला है, ठीक है, किस तरह हमने भी तस्वीरें देखी थी। पुष्पेंद्र जी, अयोध्या के अंदर जो है जो उद्योगपति थे, जो पैसे वाले लोग थे वो और पैसे वाले हो गए, जो गरीब लोग थे, जो वहां के मजदूर तबके का लोग था, जो दुकानदार लोग थे वो और गरीब हो गए। और जनता ने जो है इसी मुद्दे पर बीजेपी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के अगेंस्ट वोट किया, क्योंकि अगर बीजेपी ने अब अपनी प्रजा पे ज्यादा ध्यान दिया होता, एक राजा ने अपनी प्रजा को देखा होता कि यहाँ पे इसकी बुनियादी जरूरतें क्या है, लेकिन बीजेपी ने छोड़ के सिर्फ राम मंदिर पर फोकस किया, क्योंकि बीजेपी के जहन में ये बात बैठ चुकी थी कि सिर्फ राम मंदिर के नाम पर मुझे पूरे देश के अंदर वोट पड़ने वाले हैं। लेकिन आज की जनता इस चीज को समझी कि हमें राम मंदिर से भगवान की भक्ति तो मिल सकती है लेकिन हमारा जो है विकास नहीं हो सकता। लेकिन बीजेपी जो है कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर, कहीं ना कहीं राम मंदिर के नाम पर जनता को उलझाना चाहती थी, लेकिन जनता ने इस चीज को समझा और लल्लू सिंह के अगेंस्ट जाके वोट किया, क्योंकि लल्लू सिंह जो है पिछले 2 बार से भी वहां पर बीजेपी के नेता है और आप नहीं लंबे समय से जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि बीजेपी को लल्लू सिंह से ऐसा कौन सा बड़ा फायदा था जो जनता के विरोध के बावजूद भी उन्हें वहां से प्रत्याशी बनाया गया, क्योंकि अगर आप किसी को भी प्रत्याशी बनाएंगे, अगर आपको कोई भी सीट निकालनी होगी तो पहले वहां पर आप वहां का आप जाकर समीकरण देखेंगे, वहां पर आप जमीनी मुद्दे देखेंगे और ये देखेंगे कि पिछले एक साल के अंदर इस नेता ने जमीनी स्तर पर कैसा काम किया। लेकिन लल्लू सिंह के बारे में बीजेपी को सीधा सीधा साफ तौर पर पता था, उन्होंने इस चीज को नकारा और लल्लू सिंह को ही टिकट दिया। तो विरोध यहाँ केवल होने के बावजूद नहीं था, ये केवल उत्तर प्रदेश का चुनाव भी नहीं था, ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव था, ये लोकसभा का चुनाव था, ये विधानसभा का चुनाव नहीं था, ये कोई एक राज्य का है। उत्तर जरूरी जरूरी नहीं है, कोई तीन जरूरी नहीं है, अपने क्षेत्र के अंदर की जिम्मेदारी एक विधायक की होती है, सांसद की भी होती है, सांसद जो है वो जनता ही होता है। अगर सांसद बेहतर काम करेगा तभी तो विधायक बेहतर काम करेगा। और इस बात पर बीजेपी को स्वीकारना पड़ेगा कि उन्होंने लल्लू सिंह चर्चा होनी चाहिए, उत्तराखंड पर भी चर्चा होनी चाहिए, प्रदेश पर भी चर्चा होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ पर भी चर्चा होनी चाहिए, दिल्ली पर भी चर्चा होनी चाहिए, मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें जहां हम जीतते हैं उस विषय पर जहां पर आप
जहां पर आप जीते हैं वहां पर आपके प्रत्याशियों ने बेहतर काम किया है, इसलिए वहां की जनता ने आपको स्वीकार किया है। लेकिन लल्लू सिंह तो एक ऐसे प्रत्याशी थे जिन्हें जनता पहले से नहीं स्वीकार कर रही थी। वहां की जनता की तमाम ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि लल्लू सिंह अपनी आवाम की बात नहीं सुनते हैं। तो लल्लू सिंह से ऐसा कौन सा बड़ा फायदा था बीजेपी के मंत्रियों को, बीजेपी के नेताओं को, कि उन्होंने लल्लू सिंह का विरोध होने के बावजूद भी वहां से लल्लू सिंह को चुना? ये गलत सवाल है और इसका जवाब जो है वो बीजेपी को देना पड़ेगा। सुन पा रहे हैं अविरल जी? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। और हमारे सहयोगी ऋषभ ने जो आपसे सवाल किया है वो यही सवाल किया है कि जब जनता आपके प्रत्याशी को, लल्लू सिंह को नकार रही थी, तो आपको ऐसा उनसे क्या फायदा था जो आपने फिर भी उनको टिकट दिया? देखिए, लोकल फैक्टर्स इसमें हो सकते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक केवल ये अयोध्या से संबंधित विषय है जी। लेकिन जहां तक बात है राष्ट्रीय स्तर की, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर तीसरी बार जनता ने भरोसा जताया है, जनता ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के ऊपर मोहर लगाई है, ये बिल्कुल स्पष्ट है जी। और कई राज्यों में हम 100% सीटें जीते हैं। अगर आप देखिए पुष्पेंद्र जी, बीजेपी अपनी जीत को इस बार इतनी बड़ी जीत ना समझे, ये ना समझे कि उसे जनता ने पसंद किया है। अगर जनता उसे पसंद करती है तो जिस तरह से बीजेपी ने दिया था, शायद आप दो नारों पर सच हो जाता। लेकिन पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले देखिए कि किस तरह से बीजेपी की सीटें जो है वो घट गई जी। तो इसे बीजेपी कोई अपनी बहुत अच्छी जीत ना समझे, इसके अंदर बीजेपी के नेता इसे कोई अपनी बहुत बेहतर जीत ना समझे कि हाँ भाई हमने जो है पहले, आप देखिए 300+ जो है वो जा चुकी थी एनडीए, लेकिन आज जो है क्या हालत हुई है, बीजेपी जो है वो अकेले अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार भी नहीं बना पाई। तो इसे कुछ ये ना समझे कि बीजेपी ने बहुत बेहतर काम किया और जनता ने उन्हें पसंद किया है। कहीं ना कहीं बीजेपी के कामों में, बीजेपी की योजनाओं में और उनके जिस तरीके की बयानबाजी हुई, जिस तरह से उन्होंने धर्म की राजनीति की, कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान हुआ और इस पर बीजेपी को जरूर ध्यान देना चाहिए, शायद अगली बार कुछ बेहतर कर पाए। बिल्कुल ऋषभ, और यहाँ पर अगर हम उत्तर प्रदेश को जोड़कर देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में अब की बार भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है वो काफी ज्यादा खराब रहा है और आने वाले विधानसभा चुनावों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन जो अब समाजवादी पार्टी के सांसदों की संख्या बढ़ चुकी है, इससे विपक्ष अब मजबूत हो चुका है, तो आने वाले टाइम में जिस तरह के प्रस्ताव पास होंगे, क्योंकि होता रहा है कि कोई भी प्रस्ताव अगर भारतीय जनता पार्टी पास करती है तो उसमें विपक्ष की सहमति भी जरूरी होती है, तो क्या अब लगता है कि जो कैसे, जैसे ही आज जो जेडीयू के नेता हैं केसी त्यागी, उन्होंने भी एक बयान दिया था कि अब जो अग्निवीर योजना थी उस पर भी विचार करने की जरूरत है, तो अब की बार विपक्ष भी उन चीजों पर विरोध करेगा? देखिए बिल्कुल बिल्कुल करेगा, क्योंकि क्योंकि जब मैं ग्राउंड में उतरकर रिपोर्टिंग कर रहा था, जब मेरी युवाओं से बात होती थी, तो अग्निवीर स्कीम को उन्होंने पूर्ण तरह से नकार दिया था। आज के टाइम में जहां गांव के अंदर 100-150 लड़के एक गांव के रनिंग करते थे, आज उन्होंने फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दी है, उनका सेना में जाने का मन ही नहीं है। आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि इस योजना के सहारे हमारे देश की जो सेना है उसके अंदर ही भर्ती होना बंद हो जाए, लोग अपना मन हटा लें कि हाँ भाई सेना में कोई नाम की चीज होती है। अग्निवीर से तो ये बात रही। और दूसरा जो युवक था उसका कहना था कि देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन की तरफ सरकार लेकर जा रही है, ये भी एक बड़ी समस्या है। प्राइवेटाइजेशन से हटके कहीं ना कहीं नौकरियों की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी भी युवाओं के मुताबिक देश के अंदर बेरोजगारी का आलम बदस्तूर बरकरार है। बिल्कुल ऋषभ, और अविरल मलिक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। ऋषभ साथी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो हम तक पहुंचाई। लेकिन जो बातें बनी हुई हैं अयोध्या को लेकर, आखिर अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार क्यों हुई? क्योंकि वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया, वहाँ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया, वहाँ के जो व्यापारी थे उनके व्यापार को भारतीय जनता पार्टी ने नष्ट करने का काम किया, वहाँ के लोगों के जो आशियाना थे उनको नष्ट करने का काम किया, और यही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी को अब की बार वहाँ के लोगों ने नकार दिया। क्योंकि जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था,
सभी बड़े बड़े सेलिब्रिटी वहां पर बुलाए गए थे और जो खुद अयोध्या के लोग थे वो लाचारी भरी नज़रों से बाहर से मंदिर को देख रहे थे, जबकि सबसे पहला हक अयोध्या के लोगों का होना चाहिए था और वहां की जनता का होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब की बार इसी कारण भारतीय जनता पार्टी को वहां के लोगों ने नकार दिया। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़।